गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक के अंतर्गत पद्यांशों पर आधारित प्रश्न एवं उसके उत्तर को पढ़ रहे हैं। इसमें से कुल दो का हम लोगों ने कल तक जो है अभ्यास किया। तीन पद्यांश हम लोगों ने लिए थे, तीन पद्यांशों का प्रश्नोत्तर हम लोगों ने कल किया। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आगे के पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, और मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलशाई हो अभिराम। ये कुल आठ पंक्तियों का दो पद है, जिसमें से देखिए पहले पद की चारों पंक्तियां जो हैं रेखांकित हैं। तो पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दो प्रश्न सुनिश्चित रूप से सभी पद्यांशों में ही पूछे जाते हैं। तो पहले पद्यांश का उत्तर पूर्ववत ही रहेगा, अर्थात पद्यांश के पाठ का नाम श्रद्धा मनु और कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, घिर रहे थे घुंघराले बाल यहाँ से लेकर के विदु के पास तक इसकी व्याख्या करनी है। प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है, किसकी, तो जब आप लोगों ने पढ़ा उस समय आप लोग जो व्याख्या मैंने समझाई तो आप लोगों ने सुना ही होगा, समझा ही होगा कि यहाँ पर श्रद्धा की मनोरम छवि का सुंदर चित्रण किया गया है। आगे के प्रश्न में भी जो है अपने आप ये उत्तर निकल आता है, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी, इसका मतलब श्रद्धा की मनोरम छवि का सुंदर वर्णन है। इन पंक्तियों में सूरज की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। अब इन प्रश्नों का उत्तर हम अगले पृष्ठ पर देखते हैं। पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, व्याख्या घिर रहे थे घुंघराले बाल अंशावलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधावर ने विदु के पास, श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल, नन्हा है, नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरा ग, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लटें कैसी प्रतीत हो रही थी, तो श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा, यहाँ गलती से नन्हा मिसप्रिंट हो गया है, ये नन्हा, कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। इन पंक्तियों में सूरज की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम खून के रंग
कि नवीन कोपल पर सूरज की अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट छाई हुई थी, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सूरज की किरणें किसी नवीन लाल रक्तिम लाल रंग की जो है बड़े ही सुंदर कोई नई कोपल हो, जो नई पत्तियां निकलती हैं उस पर सूरज की किरणें मानो जो है विश्राम कर रही हो। अगला पद, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, एक परदा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वा रहस्य वरदान कभी मत जाओ मत इसको जाओ भूल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इस बार की भी परीक्षा में भी ये किसी संकेतांक के अंदर अवश्य आया था। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो 302 झटके था या ZL। दुख की पिछली रजनी बीच, अब इस पर जो प्रश्न दिया गया है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है, कब ने दुख की तुलना किससे की है, कब के अनुसार झीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है, सुख गात में कौन सा अलंकार है। तो प्रश्न का उत्तर, पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, रेखांकित अंश की व्याख्या, श्रद्धा मनु को संबोधित करती हुई यहाँ ये गलती से मनु, मन श्रद्धा मन को सांत्वना देते हुए तथा उन्हें प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है। जब तक रात्रि नहीं होगी तो रात्रि बीतेगी कैसे, जब हुए रहेगी नहीं तो बीतेगी कैसे, अर्थात दिन ही दिन रहेगा तो सवेरे का कोई औचित्य नहीं है, अर्थात सवेरे के लिए रात्रि का होना आवश्यक है। इसीलिए मन को प्रेरित करती हुई श्रद्धा कह रही है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है, बीती हुई रात के झीने नीले धुदलके के समान, बीते हुए दुख की अनुभूति सुख के बीच पर्दा बनी हुई है, वह सुखमय अरुण की प्रकट होने का ही पूर्व संकेत है, अर्थात सुख से भरा हुआ सूरज की लालिमा जो है वह रात के अंतिम पहर में जैसे छिपी रहती है, पर्दा है, जिस पर्दे के उस अंधकार रूपी पर्दे के हटते ही सुख रूपी जो है अरुण सूरज की लाल लाल किरणें पृथ्वी पर छा जाती हैं। प्रश्न है, इन पंक्तियों में श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है, तो बिल्कुल प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि मनु को जो है प्रेरणा दे रही है। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है, यहाँ देखिए गलत ही पूरा छप गया, ये गलत है, यहाँ होगा मनु, इन पंक्तियों में श्रद्धा
मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। अगला प्रश्न है, दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। दुख की पिछली रजनी बीच बिकसता सुख का नवल प्रभात, प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है, बिकसता सुख का नवल प्रभात, इस पंक्ति का भाव यह है कि दुख की पिछली काली रात के बीच ही सुख का नया सवेरा विकसित होता है, इसलिए मनुष्य को दुख पाकर निराश होकर नहीं बैठ जाना चाहिए। अर्थात दुख कोई अभिशाप नहीं है, वो बीतेगा ही। यहाँ साफ समझे में आने वाले दुख के संदर्भ में क्या कहा गया है? यहाँ साफ समझे जाने वाले दुख के संदर्भ में श्रद्धा मनुष्य कहती है कि जिस दुख को तुम साफ समझते हो और यह समझते हो कि यह संसार की पीड़ाओं दुखों का कारण है, वह वास्तव में है क्या? वह मनुष्य को ईश्वर का रहस्यमय वरदान है। रहस्यमय, रहस्यमय वरदान है, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्त के लिए प्रेरित करती है। दुख में मनुष्य जो है प्रेरित होता है कि कैसे दुख की घड़ियां बीते, उस पर विजय प्राप्त करे और सुख की प्राप्ति करे। कवि ने दुख की तुलना किससे की है? तो कवि ने अरे बहुत गलती हो गई, दुख की तुलना रात से की है। दुख एक रात्रि की भांति है, जैसे रात्रि बीतती है वैसे दुख भी बीत जाता है। कवि के अनुसार झीना पर्दा में क्या छिपा हुआ है? कवि के अनुसार जीने पर्दे में सुख सा शरीर छुपा हुआ है, जीने पर्दे में सुख रूपी जो है प्रभात छिपा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, सुख गात में कौन सा अलंकार है? सुख रूपी शरीर अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है, सुख गात इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो ही पदों के प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे, इसमें जो थोड़ी बहुत त्रुटियां हो गई हैं उनको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। यहाँ मैंने उसको लाल से कट कर दिया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी है। प्यारे बच्चों, आप लोगों की सहभागिता बहुत कम हो रही है, जो भी बहुत ही निराशाजनक है। आप सभी लोग पूरे मनोबल से जो है अब पढ़ाई में लग जाएं, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो पीछे के पाठ पढ़ाए गए हैं उनको दोहराते हुए चलें। यदि किसी भी बच्चे को जैसे कि पिछले किसी पाठ की या पिछले किसी शिक्षक का कोई भी परेशानी हो, न समझ में आ रहा हो, तो उसका वीडियो मैं तुरंत भेज दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर जा कर के सर्च करेंगे तो अब तक की मैंने जितनी कक्षाएं ली हैं सबका जो है विवरण उस पर है, आराम से आप उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।